हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सिद्ध जड़ी बूटी लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है अनंत मूल। अनंत मूल की जो जड़ है दोस्तों, उसका जो काढ़ा है आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। तो आइए जानते हैं कि अनंत मूल क्या है। अनंत मूल को कृष्ण सारिवा भी कहते हैं। यह एक प्रकार की लता होती है जिसे बाग बगीचों और मंदिरों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक अनंत मूल एक बढ़िया जड़ी बूटी है। इसकी मदद से अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। बुखार, उल्टी, डायबिटीज़, आँखों की बीमारी, ल्यूकोरिया, कुष्ठ रोग, मुंह के रोग, खुजली आदि बीमारियों में अनंत मूल के कई लाभ मिलते हैं। कैसे होती है अनंत मूल? अनंत मूल दोस्तों एक बेल है जो हमेशा हरी रहती है। यह बहुवर्षीय बेल पतली, लंबी और आगे की ओर बढ़ने वाली, जमीन पर फैलने वाली, वृक्ष पर चढ़ने वाली होती है। इसकी लंबाई 5 से 15 फुट होती है। इसकी छाल श्यामले या काले रंग की और शाखाएं लाल भूरे रंग की होती हैं, जिन पर हरे, सफ़ेद और बैंगनी रंग के सुगंधित फूल लगे होते हैं। इसकी जड़ से कपूर मिश्रित चंदन जैसी सुगंध आती है। इसके अलावा इसकी जड़ों को तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है। दोस्तों, आयुर्वेद के मतानुसार अनंत मूल सुगंधित, तीखी, मीठी, कड़वी, शीतल, मधुर, भारी, वीर्यवर्धक, शुक्राणुओं का बढ़ना, स्निग्ध, चिकना, रक्त शोधक, खून को साफ करने वाला, त्रिदोष नाशक, वात, पित्त और कफ, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली औषधि होती है। इसके अलावा यह खांसी, बुखार, खुजली, जलन, त्वचा रोगनाशक, रक्त विकार, मंदाग्नि, स्वेदजनक यानी पसीना लाने वाला, मूत्र विरेचक, पेशाब लाने वाला, बलकारक, भूख वर्धक, शरीर की दुर्गंध, श्वास, विष, घाव और प्यास आदि परेशानियों में भी गुणकारी होती है। दोस्तों, अनंत मूल के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आप जानिए आँखों के लिए। अनंत मूल पौधे की जड़ से दूध निकालकर आँखों पर लगाने से आँखों की सूजन ठीक होती है। इसके अलावा किसी कीड़े के काटने पर होने वाली सूजन को ठीक करने के लिए अनंत मूल के पत्ते को पीसकर उसके पेस्ट को हल्का गुनगुना करके सूजन वाले हिस्से पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। बुखार के लिए अनंत मूल की जड़ पत्तों और उसके डंठल का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार का ताप कम होने लगता है। इसके अलावा अनंत मूल के पत्तों को तेल में पकाकर इस्तेमाल करने से भी बुखार उतर जाता है। मुंह और गले की बीमारी के लिए अनंत मूल पौधे के पंचांग से बने काढ़े से गरारे करने से जीभ की सूजन और दांतों से होने वाला रक्त स्राव कम होता है। वहीं इसके पंचांग को पीसकर बनाए लेप को गले पर लगाने से गले की सूजन जैसे कंठ रोगों में आराम मिलता है। सिर के लिए और रतौंधी के लिए अनंत मूल के पत्ते को तेल में अच्छे से पकाकर छानकर ठंडा कर लें। अब इसे सिर पर लगाएं। इससे सिर संबंधी विकारों में लाभ होता है। वहीं अनंत मूल पौधे के पंचांग से बने काढ़े से आँखों को धोने से रतौंधी यानी रात का अंधापन की बीमारी में फायदा होता है। सुजाग और शारीरिक ऐंठन के लिए अनंत मूल पंचांग का मतलब दोस्तों जड़, तना, पत्ती, फूल मिलाकर के पंचांग बनता है। अनंत मूल पंचांग से बने काढ़े का सेवन करने से सुजाक यानी योनि से होने वाला विपुल स्राव और शरीर की ऐठन जकड़न में लाभ होता है। डायबिटीज़, मूत्र और तिल्ली रोगों के लिए वर्तमान समय में डायबिटीज़ एक आम बीमारी बन चुकी है, लेकिन अनंत मूल के प्रयोग से डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए अनंत मूल की जड़ को पीसकर उसके चूर्ण का सेवन दूध के साथ करें। इससे मधुमेह कम होता है। वहीं अनंत मूल पंचांग के काढ़े का सेवन करने से प्लीहा वृद्धि यानी तिल्ली का बढ़ना, रक्त मूत्रता, पेशाब में खून आना आदि रोगों में भी लाभ होता है। अपच और स्तन विकार के लिए एक चम्मच अनंत मूल जड़ के चूर्ण में एक चम्मच सारिवा चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अपच की परेशानी ठीक होने लगती है। वहीं इसकी जड़ के काढ़े में पिपली चूर्ण मिलाकर सेवन करने से प्रसव यानी डिलीवरी के बाद होने वाले स्तन संबंधी विकारों में भी फायदा होता है। पेचिस और बवासीर के लिए अनंत मूल पंचांग के चूर्ण का सेवन करने से पेचिस की समस्या में आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी जड़ के चूर्ण को दही या छाछ के साथ लेने से बवासीर में भी लाभ होता है। घाव के उपचार हेतु और कीड़े मकोड़े के काटने पर अनंत मूल के पत्तों को तेल में पकाकर अंगुली के बीच वाले और अन्य घावों पर लगाने से घाव जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा किसी कीड़े मकोड़े के काटने पर अनंत मूल पंचांग को पीस कर लगाने से उस कीड़े के जहर का असर कम हो जाता है।
पथरी और गठिया की समस्या के लिए, पथरी की समस्या होने पर अनंत मूल जड़ की चूर्ण का सेवन दूध के साथ करने से पथरी की समस्या ठीक होने लगती है। वहीं अनंत मूल और इसकी जड़ को पीसकर तैयार किए गए लेप को गठिया और जोड़ों पर लगाने से गठिया रोग और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो अनंत मूल है वो कहाँ पाई जाती है। तो अनंत मूल की बेल समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से लेकर हिमालयी क्षेत्रों में 1200 मीटर की ऊंचाई तक प्रचुरता में मिलती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, असम, बंगाल आदि क्षेत्रों में भी अनंत मूल के पौधे को देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अनंत मूल का प्रयोग करना है तो आप किसी पुराने जो है किराने की दुकान से आप जाएंगे, पंसारी की दुकान पर जहाँ पर जड़ी बूटियाँ आदि मिलती हैं, तो वहाँ से आपको अनंत मूल के पांचांग मिल जाएंगे, इसके पाउडर मिल जाएंगे और इसकी जो है जड़ भी मिल जाएगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अनंत मूल एक प्रकार की लता है जो भारत के पंजाब और उत्तरी भारत के जंगलों में पहाड़ियों पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसकी शाखाएँ सफ़ेद और सुगंधित होती हैं। अनंत मूल की जड़ में हेमेडी स्ट्रोल और हेमेडी स्मोल टेनिंस, सरक्रास, पुनिन और अल्प मात्रा में ग्लाइकोसाइड्स आदि तत्व पाए जाते हैं। अनंत मूल कई बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा जो है पीलिया में भी होता है। अगर किसी को ज्वाइंटिस की प्रॉब्लम है तो पीलिया के रोगियों के लिए अनंत मूल की जड़ एक रामबाण औषधि है। 2 ग्राम अनंत मूल की जड़ की छाल, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और आधा गिलास पानी के साथ पीस कर 1 सप्ताह तक पीलिया के रोगी को पिलाने से उसकी आँखों और शरीर का पीलापन दूर हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ये खून को भी साफ करता है। खून की सफाई करने में भी अनंत मूल सहायक होता है। 30 ग्राम अनंत मूल को 1 लीटर पानी के साथ उबालकर काढ़ा तैयार कर लें, फिर इसमें 1 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से खून साफ हो जाता है। अनंत मूल दाद की समस्या में भी इलाज करता है। दाद की समस्या ठीक करने में भी अनंत मूल फायदेमंद औषधि है। दाद होने पर अनंत मूल के 1 ग्राम चूर्ण को घी के साथ भूनकर 5 ग्राम चीनी के साथ नियमित रूप से सेवन करें, दाद कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह गठिया रोग में भी बहुत ही फायदेमंद है। गठिया रोग में भी अनंत मूल कारगर औषधि का कार्य करती है। जोड़ों में दर्द हो या गठिया हो, इसके लिए अनंत मूल की जड़ का 5 ग्राम चूर्ण शहद के साथ रोजाना 2-3 बार सेवन करते रहें। इस उपाय से दर्द ठीक होगा और जोड़ों की सूजन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं अनंत मूल जो है, ये पहले जो हमारे जो है बुज़ुर्ग लोग थे वो लोग जो है ऐसी जड़ों का प्रयोग करते थे। जब लोगों को पीलिया होता था तो वो कमर में बांधने के लिए एक जड़ देते थे या गले में बांधने के लिए एक जड़ देते थे, तो उसमें दोस्तों ये अनंत मूल भी शुमार है। अनंत मूल की जड़ या इसका काढ़ा जो है पीलिया और बुखार के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप अनंत मूल की जड़ या इसका पाउडर बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। कहीं भी दोस्तों अगर जा रहे हैं, कोई पंसारी की दुकान आपको पुरानी मिल रही है, तो आप वहां से अनंत मूल की जड़ लाइए और उसका चूर्ण बनाकर रखिए, और जब भी आपको पीलिया या आपके घर के आसपास बच्चों को किसी को बुखार होता है तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।